नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गायत्री और आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब पे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। समोसे बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, पाव किलो वजन में है ये। 250 ग्राम मैदे में हम करीब आधा टीस्पून अजवाइन लेंगे, उसे हथेलियों में क्रश करके ऐसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब एक टीस्पून नमक। फिर हम इसमें, इससे पहले हम इसे मिला लेते हैं, नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मैदे में मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें डालेंगे मोहन। ये देसी घी है, 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ मैं इसमें। जो हलवाई होते हैं वो हमेशा डालडा या वनस्पति का मोन लगाते हैं, जिससे समोसे जो हैं बहुत खस्ता बनते हैं। हम यहाँ देसी घी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट डालडा या देसी घी से आता है वो समोसे का रिजल्ट तेल का मोन लगाने से नहीं आता। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सारा जो घी है को ये आटे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और क्रम्स फॉर्म हो जाए। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें मोन थोड़ा कम लगता है तो हम आधा से एक चम्मच और ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम मैदा या बेसन यूज़ करते हैं कभी कभी आटे का टेक्सचर ऐसा होता है कि जिसमें कभी कभी आटा मोन या पानी ज़्यादा लेता है, कभी कभी कम लेता है। अब देखिए, इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद, इस तरह से हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से, पूरा जो मोन है देसी घी है वो इसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करके हम ऐसे एक मुट्ठी बनाएंगे। ये मुट्ठी एकदम परफेक्टली बन रही है, इसका मतलब जो मोन है वो परफेक्ट है। अब समोसे का जो आटा होता है वो हार्ड होता है, थोड़ा सख्त होता है, तो हमें सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना, हमें सख्त आटा गूंदना है। तो अब हम आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा गूंदेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा पानी लेंगे हम, फिर मिला लेंगे इसे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें एक सख्त आटा, हार्ड डो बनाना है, हमें सॉफ्ट या नरम आटा नहीं लगाना। तो इसे इस तरह से मसल मसल के हम कोशिश करेंगे कि ये बहुत ही थोड़े पानी में गूंद जाए। इस तरह से हम इसे मसल मसल के गूंदेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसे गूंदने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मसल मसल के हम इसका सख्त आटा तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल ही थोड़ा पानी लगा है इसमें, करीब 1/4 कप जितना या उससे थोड़ा, एक का चम्मच ज़्यादा। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे मसलना है और आटा जो है वो सख्त रहना चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप, दोनों हाथों से मसल के अच्छी तरह से हम इसे मसल मसल के गूंद लेंगे। ये देखिए, इसका सख्त आटा बन के तैयार है, काफ़ी हार्ड है ये। आटा हमारा गूंद के तैयार है इस तरह से। अब हम इसे एक बाउल में रख देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, जब तक हमारी फिलिंग तैयार होती है। कढ़ाई में तेल रख दिया है करीब 2 टेबलस्पून हमने गर्म होने के लिए, फिलिंग के बना रहे हैं अभी हम। एक टीस्पून हम डालेंगे इसमें जीरा, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं करीब 2 इंच अदरक का टुकड़ा, मैंने कद्दूकस कर लिया था, और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। पका लेंगे इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, तब तक जब तक अदरक अच्छे से पक नहीं जाती। अदरक और मिर्च का कच्चापन जो है वो निकल चुका है, ब्राउन हो गई है अदरक। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3/4 कटोरी मटर, ये तो कच्चे मटर हैं, ताज़े मटर हैं, आप फ्रोजन पीस भी ले सकते हैं। इसे इस तरह से अदरक और मिर्च के साथ हम सौटे कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। चला लेंगे इसे और ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, जब तक कि मटर जो है वो गल जाए।
अब हम चेक कर लेते हैं, मटर जो है हमारे पक चुके हैं। देखिए अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़े से काजू, ये करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून काजू है ये मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं थोड़ी सी, कुछ लोग पनीर डाल सकते हैं, मतलब किसी किसी को पसंद हो तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपनी स्टफिंग कैसे रखना चाहते हो। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और उसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून। मिला लेंगे इसे। समोसों का जो मिक्सचर होता है उसमें हल्दी नहीं पड़ती, ऐसा ही कलर होता है इसका। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये 4 बड़े आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके हाथों से तोड़ लिया है, इसे हमें मैश नहीं करना है। ये ऐड कर देंगे इसमें और मिला लेंगे। इस तरह से हमें इसे मिलाना है क्रश करते हुए, ताकि सारे जो मसाले हैं इस आलू को अच्छी तरह से कोट कर जाए। इस तरह से अच्छे से हम सारा मसाला जो है मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार है, अच्छे से सारे मसाले आलू में मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 5-6 पुदीने के पत्ते भी तोड़ के डाल सकते हैं, उनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है समोसों पर, समोसों में। ये देखिए बस अब हमारी स्टफिंग तैयार है। हम अब ये हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे इस तरह से, करीब 1 मिनट के लिए इसे मसल लेंगे अच्छी तरह से। और हमें इस तरह से इसकी जो है लोइयां निकालनी है। इस तरह से हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे और फिर समोसे की जो शीट होती है उसे हम बेलेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये एक ऐसा पेड़ा बना लिया है, बस अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। चकले बेलन पे हल्का सा तेल लगा लेंगे और हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा पतला बेलना है इसे, पर ज्यादा पतला नहीं बेलना। इस तरह से हम इसे बेल के एक रोटी की तरह आकार दे देंगे, लेकिन हमें इसे गोल नहीं बेलना है, हमें इसे लंबा बेलना है। और आटा जो होता है सख्त होता है, तो उसे इसे सूखे आटे की भी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि ये हैंडल भी अच्छे से हो जाता है। अब ये देखिए इस तरह से मैं इस रोटी को लंबा कर रही हूँ और किनारों से थोड़ा सा बेल रही हूँ। बीच में इसे ज्यादा पतला ना करें, इसे किनारों से हमें बढ़ाना है। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा लंबाई में बेल के तैयार करेंगे। जहां आपको लगे थोड़ा मोटा है वहां बेल दीजिए इसे। ये रेडी हो गया है। अब हम इस एक रोटी के 2 हिस्से करेंगे ऐसे। तो ये हमारी समोसे की एक शीट जो है वो रेडी हो गई है। ऐसे हमने सारी जो शीट है बेल के रेडी कर लेनी है। अब हम करेंगे समोसे की स्टफिंग। ये हमने एक शीट ले ली है समोसे की। सबसे पहले हम पानी लगाकर उंगली पर ये जो साइड्स हैं, आधी रोटी की जो ये साइड है, इसे हम सील करेंगे। एक कोन का आकार देके हमें अच्छी तरह से इसे किनारों से सील करना है। इस बात को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि अगर ये किनारे नहीं चिपके तो जो मसाला है वो बाहर निकल सकता है। ये इस तरह से हम सील कर लेंगे इसे, अच्छी तरह से दबा के हमें सील करना है। तो ये बन जाएगा एक कोन। हम अंदर से भी इसे पानी लगाकर अच्छी तरह से सील कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें भरेंगे ये स्टफिंग। स्टफिंग भर रहे हैं हम, हल्के से दबाकर भरिए, एकदम ज्यादा स्टफिंग भी नहीं भरनी है, लेकिन इतना भी ध्यान रखना है कि समोसा हमारा जो है वो खाली भी ना रहे। इस तरह से हम इसमें दबाकर जो है स्टफिंग को भर लेंगे। भरने के बाद ये जो किनारियां हैं, ये चारों किनारियों पे हमें अच्छे से पानी लगाना है। तेल हमने गरम होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, लो से मीडियम फ्लेम पर ही तेल गरम करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां इसे देंगे एक प्लीट।
प्लीट ऐसे एक फोल्ड इस तरह से ऐसे फोल्ड करके फिर इस हिस्से को हमें खींच के इसके साथ चिपकाना है और इसे इस तरह से सब तरफ से सील करना है। इससे क्या होगा, इस समोसे को एक अच्छा सा स्टैंड मिल जाएगा। ये देखिए हमारा एक समोसा बनके तैयार है। एक और बना लेते हैं। देखिए समोसा कैसे बैठा है। एक और शीट ले ली हमने, पानी लगा लिया अच्छी तरह से, फिर हमने इन्हें जोड़ लिया। जोड़ के अच्छी तरह से दबाकर हमने इन्हें सील कर लिया। ऊपर से जो ये पॉइंट बना है ये भी, और ये जो कॉर्नर्स हैं ये भी, फिर अंदर से भी सील कर लिया दबाकर। ये हमारा कोन बन के हो गया रेडी। अब हम इसमें भरेंगे फिलिंग। इस तरह से हमें दबाकर फिलिंग भरनी है। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का दबा के हम कोशिश करेंगे कि फिलिंग जो है वो नीचे तक चली जाए, लेकिन ओवर हमें इसे फिल नहीं करना है, बहुत ज्यादा फिल नहीं करना हमें। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर ही चारों तरफ यहाँ पानी लगा देंगे अच्छी तरह से सब किनारियों पर। पानी लगा के यहाँ पे हम बनाएंगे एक प्लीट, जैसे हम साड़ी का बनाते हैं वैसा एक प्लीट बना के अब हम इसे खींच के पहले सेंटर टू सेंटर जोड़ेंगे और फिर किनारियों को आगे लाके इस तरह से हम इसे पूरी तरह से सील करेंगे। ये देखिए, ये ध्यान हमें जरूर रखना है कि समोसा जो है वो अच्छी तरह से सील हो जाए। तो ये बैठ गया दूसरा समोसा। इसी तरह से हम जो है सारे समोसे रेडी कर लेते हैं। आप इस तरह से समोसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतने आटे से हमने बनाए हैं 10 समोसे और काफी अच्छा बड़ा साइज है, ऐसे भी नहीं कि छोटे बने हैं। तो आइए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने धीमी आंच पे गर्म होने रख दिया था, लो टू मीडियम हीट पे, क्योंकि समोसों के लिए हमेशा जो तेल है वो कम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर हम समोसों को फुल फ्लेम पे तल देंगे तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बबल्स आ जाते हैं उनमें, और दूसरा होता है कि वो अंदर से कच्चे हो रह जाते हैं और ऊपर से वो हो जाते हैं ब्राउन। तो अब हम इसे कर देते हैं मीडियम, और मैंने इसमें एक तेल सॉरी आटे का छोटा सा गोला डाला है, और अब हम देखते हैं कि तेल हमारा रेडी है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे धीमी आंच पे कर दिया है। अब धीरे धीरे हम इसमें जो समोसे हैं वो डाल देंगे। इन्हें फ्राई होने में करीब करीब 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। इन्हें हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, ताकि जो समोसा का खस्तापन है, ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल प्लेन आएगी और खस्ती बनेगी और उस पे बबल्स नहीं आएंगे। और एक वक्त पे कढ़ाई में जितने समोसे आए हम उतने ही डालेंगे। मैं यहाँ सिर्फ 4 समोसे एक टाइम पे डाल रही हूँ, और हम इन्हें अब लो टू मीडियम हीट पे फ्राई होने देंगे। ये देखिए इन्हें फ्राई करते करते करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं, हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग पड़ा है। तो बस अब हमें इन्हें 2-3 मिनट और फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, ताकि ये अच्छा सा ब्राउन कलर इन पे आ जाए। ये देखिए समोसों का कलर देखिए आप, क्या प्यारा कलर आया है ना, एकदम गोल्डन ब्राउन और खस्ता। बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फिर हम इन्हें बढ़िया सी प्लेटिंग करके सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बढ़िया हलवाई स्टाइल समोसे बिल्कुल तैयार हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि कौन से ब्रांडेड दुकान से ये समोसे मंगाए हैं, तो आप कहिएगा ये सीधे आपके किचन से आए हैं। तो हमने इन्हें सर्व किया है ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ। आपकी मर्जी हो तो आप इसे इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।